नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन के प्रो एंड कॉन्स के बारे में। उनके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप में से अधिकतर लोग अभी क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको प्रो और कॉन्स मालूम होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि क्या उन्हें सेम रेस्टोरेंट में कंटिन्यू करना चाहिए या उन्हें अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहिए, क्लाउड किचन मॉडल पर ले जाना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बाकी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। दूसरा, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये मिस्टर प्रवीण है जो कि नासिक से हैं। इन्होंने काफ़ी समय पहले मुझसे बात की थी। इनका 2001 से पहले से ही बिजनेस चल रहा है। अब इन्होंने मेरे से बात करके अपना एक वड़ा पाव का कुछ स्टार्टअप किया था, जो कि इस समय इनको बहुत ही ज़्यादा फायदा दे रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जब लोग इस तरीके के मैसेज करते हैं और उन लोगों को फायदा होता है हमारी बातें सुनकर, हमारे फीडबैक से। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर प्रवीण। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्लाउड किचन की, इसके फायदे और नुकसान, प्रो और कॉन्स के बारे में। क्लाउड किचन को हम लोग गोस्ट किचन भी कहते हैं, वर्चुअल किचन भी कहते हैं। तो इन नामों में भी आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है। गोस्ट किचन, वर्चुअल किचन या कुछ और नाम भी आ सकता है। इनविजिबल किचन भी हम लोग यहाँ पे इसे कह सकते हैं। अब इसके हम लोग बात करें अगर फ़ायदे की, इसके प्रोस की, तो सबसे पहला इसमें आता है हमारी जो कॉस्ट होती है स्टार्टिंग की, हम इसको कि अप फ्रंट कॉस्ट बोलते हैं, बहुत ही कम होती है। कहने का मेरा मतलब है कि आप एक छोटे सिंपल आइडिया पे काम कर सकते हो। आपको जो हैवी इन्वेस्टमेंट होती है हमारी कैपिटल की या किसी भी और चीज़ की, यहाँ पे नहीं होती है। आप बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, लगभग 1 लाख रुपए में या उससे भी कम में अपना एक क्लाउड किचन सेटअप कर सकते हैं। अगर आप घर से भी चलाना चाहते हैं तो आप मात्र 50,000 या उससे भी कम, अपने 30-40,000 के बीच में अपना एक सेटअप कर सकते हैं घर में, इंडिया में इस समय पे। बाकी अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप मेरे जो क्लाउड किचन का कोर्स है उसे इनरोल कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें अगर हम इसके प्रो, इसके फ़ायदे की बात बोले, तो ये बहुत ही जल्दी सेटअप हो जाता है, फास्ट सेटअप हो जाता है। जब कि हम लोग ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट की बात करें तो हमें लोकेशन डिसाइड करनी पड़ती है, इंटीरियर्स के ऊपर, किचन के ऊपर लगभग 1.5-2-3 महीने तक लग जाते हैं और हमको वो सारा रेंट उस समय तक पे करना पड़ता है। पर यहाँ पे बहुत ही जल्दी सेटअप हो जाता है, विद इन यू नो वीक आप कह सकते हैं कि आप सारा कुछ सेटअप कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे हेडेक लेस होती है, कम होती है आपकी सरदर्दी, क्योंकि जब आपका ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट होता है तो कस्टमर आपको बोल, आप जब भी ऑर्डर करते हैं आपके पास से, आप जाके फीडबैक लेते हो तो कोई आपको बोलेगा इसमें नमक कम है, कोई मिर्ची ज़्यादा होगी, कोई बोलेगा कि कुछ भी, उनके एक्सक्यूज़ रहते हैं, क्योंकि कस्टमर्स का यही इसी तरीके का हमेशा रहता है। अगर आप एक रेस्टोरेंट है तो आप ये जान पाएंगे। पर वहीं जब हम क्लाउड किचन की बात करते हैं, तो एक बार आपने खाना दे दिया, आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कस्टमर कभी भी परेशान नहीं करेगा। बड़े जो कारण होते हैं उस पर तो हमें ध्यान देना ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पे है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जी हाँ, आप बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये नहीं है कि अगर आप एक इंडियन रेस्टोरेंट चला रहे थे तो सेम आप वहाँ पे चाइनीज़ डिशेज भी डाल सकती है, सेम अलग एक ब्रांड बना के अपने एक नए फसाई लाइसेंस और नई डिटेल्स स्विगी जोमेटोस को दे के, अपने डिलीवरी एग्रीगेटर्स को दे के आप अपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट चला रहे हो और आपके किचन का नाम है हैदराबादी दरबार, तो आप कोशिश करो कि यहाँ पे सिर्फ मैं हैदराबाद का ही खाना सर्व करूँ, क्योंकि वो जो नाम है आपके फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर क्लाउड किचन में ऐसा नहीं है, आप फट से एक नया नाम सजेस्ट करके नए नाम से एक नया आउटलेट डाल सकते हैं और आप जी भर के एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट है इसका फ़ायदा, वो है हमारे हायर प्रॉफिट यहाँ पे इसलिए ही होते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कई सारी कॉस्ट सेव करते हैं, चाहे हमारी वो मैन पावर की हो, हमारे इनिशियल जो हम लोग लगाते हैं उस पे हो, हमारी पैकेजिंग पे हो, पैकेजिंग पे यहाँ पे हमारा सेम ही लग जाता है, पर हमारी मार्केटिंग पे हो, क्योंकि ज़्यादातर सब कुछ हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन ही कर रहे होते हैं। तो आपका यहाँ सारा इवन रेंट के ऊपर आप लोगों का पैसा बच जाता है, तो काफ़ी आपका पैसा बच जाता है और वही आपका जो प्रॉफिट का जो रेशियो है उसे बढ़ा देता है। पर अगर हम लोग नुकसान की बात करें, ये तो सारे फ़ायदे की बात थी, नुकसान भी हैं। अगर नुकसान की बात करें तो सबसे पहले यहाँ है कि आपको नो विजिबिलिटी, आपको कहीं पे भी विजिबिलिटी नहीं मिल रही है। आप सिर्फ लोगों के फ़ोन में हो, मोबाइल में हो, डेस्कटॉप पे हो, सिर्फ वहीं से लोग आपको देख पा रहे हैं। फिज़िकल जो रिलेशन होता है आपका किसी के साथ, वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी तरीके का आपके पास डाटा भी नहीं आ रहा है। तो सबसे जो मेन इसका रीज़न है यही है कि आप यहाँ की जो आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, यहाँ आप कम्प्लीटली थर्ड पार्टी पे डिपेंड होते हैं, आपके स्विगी, जोमेटो, जैसे पहले उबर ईट, फूड पांडा था, आप कम्प्लीटली इनके ऊपर डिपेंड रहते हो।
और ये कभी भी चाहें आपको अपने प्लेटफॉर्म से हटा सकते हैं, या जैसे कभी कभी ग्लिचेज हो सकते हैं, आपकी लाइट चली जाती है, मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता, तो आपके पास ऑर्डर आना ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप उनके प्लेटफॉर्म पे दिख ही नहीं रहे हो। इसके बाद यहाँ तीसरा है सबसे बड़ा, जो कि मैं नुकसान बोलूँगा, वो है हमारा डाटा का। आपके पास कभी भी डाटा नहीं होता है। पहले के अगर हम शुरुआत के टाइम पे बोले, तो उस समय आप कस्टमर का फ़ोन नंबर ले सकते थे, और फ़ोन नंबर के द्वारा आप कस्टमर की सारी चीज़ें, उसका नाम और मोबाइल, तो आपका उनके उनका बोले तो उनकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं, जैसे कि उनकी एनिवर्सरी होगी, घर में उनके परिवार में कुछ भी और कुछ फेस्टिव होगी, सीजन होगी, तो आप उनके नंबर इकट्ठा करके उनका डाटा लेके उनको बार बार मैसेजेस के थ्रू आप ऑफर्स दे सकते थे। पर अब उनका डाटा आपके पास नहीं आता है, जो सारा का सारा डाटा जो स्विगी जोमेटो या दूसरे एग्रीगेटर से उनके पास जाता है, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे नुकसान है। अब लोग हम लोग बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट की। अब रेस्टोरेंट के जो हम लोग सबसे पहले फ़ायदे की बात करेंगे, रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप विजिबल होते हो, आपको लोग फिजिकली आपके साथ आपके वहाँ पे आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और आपकी मार्केट में एक अच्छी वैल्यू यहाँ पे बनती है। दूसरा इसका इसका फ़ायदा ये है कि आप यहाँ लोगों के साथ रिलेशन्स बना सकते हैं, कस्टमर आपके पास आता है वो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, और आप उनको और आगे आगे कस्टमर के तौर पे उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके रिलेशन वालों को और ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है वो फिज़िकली हो रहा है। अगर आप किसी से पर्सनली मिलोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है तुलना में कि आप किसी से वर्चुअली बात कर रहे हो। इवन वहाँ पे तो आपको स्विगी जोमेटो में तो आपको वो भी मौका नहीं मिलता कि आप किसी से वर्चुअली बात कर पाओ। तीसरा, यहाँ पे जो भी डाटा होता है वो सारा आपके पास सेव रहता है, उनका मोबाइल नंबर, कांटेक्ट डिटेल, उनके फीडबैक्स, उनको अच्छा लगा बुरा लगा, सब कुछ आपके पास ही रहता है, और आप उनका यूज़ फ्यूचर में बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, बिज़नेस को कन्वर्ट करने के लिए हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। पर इस ये सारे फ़ायदे की बात के पीछे नुकसान भी इस समय है। अगर हम 2020 की बात करें, अब हम लोग नुकसान की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कि आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। अब फ्रंट शुरुआती टाइम पे आपकी बहुत सारा पैसा लग जाता है आपके, अगर आपको आपका आपका इंटीरियर चेंज करना है, किचन बनाने के लिए, मैन पावर बनाने के लिए। इवन आप रेस्टोरेंट स्टार्ट नहीं कर रहे, पर आप स्टार्ट करने से एटलीस्ट आपको 1 महीना पहले यहाँ पे मैन पावर लानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इवन अगर रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आप ऐसी लोकेशन में खोलना चाहेंगे जहाँ जो कि अच्छी हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, तो वहाँ का रेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो इसका सेटअप होता है बहुत ही स्लो चलता है, 3-4 महीने लग जाते हैं, कभी तो उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। पर इस समय आपको रेंट भी पे करना पड़ता है, और ये काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आपकी हेडेक बहुत ज़्यादा होती है, आपको क्लाइंट से मिलना पड़ता है बार बार, जो भी आपके कस्टमर आ रहे हैं, कोई बोलेगा इसमें नमक ज़्यादा है, कोई बोलेगा मिर्ची कम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और आपको बार बार उनकी सेम चीज़ों को रिपीट सुनना पड़ता है, और वही सब जब चीज़ें हम लोग सेम रिपीट बार बार सुनते हैं तो हम परेशान होने लगते हैं, और हमें लगता है यार फिर से आ गया ये, वहीं उल्टा क्लाउड किचन में वो आप कभी भी आपको ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा जो नेक्स्ट है वो है हार्ड टू एक्सपेरिमेंट। आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक खाना चला रहे हैं, मान लीजिए मैं कोई इटालियन रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, और अचानक से मेरे रेस्टोरेंट का नाम है इटालियन हुआ है, और मैं अचानक से सोचता हूँ कि भाई गेस्ट तो आना कम हो रहे हैं, और मेरी जो लोकेलिटी है यहाँ पे इंडियंस लोग हैं, तो मैं इंडियन खाना देना ज़्यादा शुरू कर देता हूँ, पंजाबी कोई भी, तो मैं उस मेन्यू में डालूंगा तो कुछ अटपटा सा लगेगा, और एक्सपेरिमेंट करना यहाँ पे हार्ड हो जाता है। आपको या तो फिर बिल्कुल मेन्यू बदलना पड़ेगा, अपना रेस्टोरेंट का नाम बदलना पड़ेगा, तो काफ़ी यहाँ पे ये तकलीफ देह भी आपके लिए हो सकता है। इसके बाद जो इसमें प्रॉफिट की बात करें, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ये बिज़नेस ऐसा है दूर से बहुत ही अच्छा लगता है, पर एक्चुअल में जब आपके पास आपके मंथ के एंड में सिर्फ पे करने को बिल रह जाते हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं बचता, तब आपको समझ आता है कि भैया यहाँ तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है, या बहुत ही अगर जो प्रॉफिट अगर हम ना बात करें, इवन जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, मेरे खर्चे और मेरे जो मैं कमा रहा हूँ वो करना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये सारे फ़ायदे और नुकसान मैंने आपको क्लाउड किचन और ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट के बीच में बता दिए। पर यहाँ पे अगर आप इस हमें 2020 की बात देखें, जो भी रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो प्लीज़ उनको कन्वर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्लाउड किचन में। आप कन्वर्ट होइए, आप देखिए ये भी बहुत ही एक अच्छा मॉडल है। आप अपनी कॉस्ट कटिंग करके अपने बिजनेस को आगे और बढ़ा सकते हैं, और सेम जहाँ पे आप एक क्लाउड किचन चला रहे थे आप 2 या 3 क्लाउड किचन सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्विगी जोमेटो के भरोसे भी ज़्यादा ना रहिए। मैं फिर से बोलूँगा आप अपनी डिलीवरी स्टार्ट कीजिए, गूगल का भी आप जैसे देखिए आने वाला है, इवन अमेज़ॉन भी आने वाला है, तो आपको ये सारे चीज़ों को सोच के काम करना होगा।
पर यहाँ पे अगर एक और बेस्ट मॉडल की बात मैं करूँ तो मेरा टेक अवे और क्लाउड किचन मैं बोलूँगा, जिसके के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा यहाँ पे, ज़्यादा ही नहीं तो फिर ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जो भी ज़्यादा की अच्छी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको प्रो और कॉन्स क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट के पता चल गए होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मेरे कोर्स को इनरोल करना, आप मुझे नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें भी देखने को मिलेगी, मैंने कई सारी नई चीज़ें ऐड करी है एडवांस कोर्स के अंदर, आप उनका भी फ़ायदा ले सकते हो, क्योंकि मेनली मकसद वीडियोस को बनाने का यही है कि आपको हर चीज़ का फ़ायदा मिले। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।